तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ और मौसम भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मौसम है जी बहुत ही तगड़ा। तो आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, मतलब इतना तो मेरे को भी नहीं पता है क्या है उसमें क्या नहीं, लेकिन जो जो मेरे को पता है ना वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या मेरे को पता है। ठीक है, मेरे को खुद नहीं पता अभी इतना, लेकिन आज तक वो चीज़ कभी मेरे चैनल पे आई नहीं है, ना ही मेरे को लगता है कि कोई और ऐसे ब्लॉगर किसी ने ऐसे मतलब वो चीज़ डाली होगी। गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो सब डालते हैं, लेकिन 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 जो आज मैं वो दिखाने लगा हूँ ना भाई साहब, वो गाड़ी से बढ़कर है और इतनी पावरफुल मशीन है कि क्या बताऊँ, उसका मुकाबला ही नहीं है। तो मैं बताऊँ यार, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता चल चुका होगा जो पुराने हैं कि मैं क्या बना किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो पुराने बंदे हैं अपने उनको तो पता है, लेकिन जो नए बंदे हैं उनको शायद से नहीं पता होगा कि किस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और हम करते हैं आपके लिए इंट्रो को प्ले, फिर उसके बाद इंट्रो के बाद दिखाते हैं आपको क्या चीज़ दिखाने वाली है। तो गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये नहीं है और वो है ये। ठीक है, तो ये है अपना डंपर जो कि इतनी हैवी मशीन है इसका मुकाबला ही नहीं है। तो पहले हम आपको एक ऐसी दिखाते हैं आउटलुक सा, डंपर सारा ने देखा ही है, लेकिन कई बंदे हैं जिनको मतलब वो है इच्छा है देखने की डंपर कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होते, कितने टायर इसके, क्या सब कुछ सबको बताता हूँ आपको मैं। पहले बाहर से बताते हैं, फिर उसके बाद आपको अंदर से बताते हैं। ठीक है, और हमारे कैमरामैन और अर्जुन रखवाल आपके साथ जुड़ चुके हैं, कैमरामैन पी एस ओ कन्हैया सिंह और अर्जुन रखवाल आपके साथ वीडियो के लिए। ठीक है, चलो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं सारा पहले बाहर से। तो पहले आती है यहाँ पे इसकी मूंछ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये है इतनी बड़ी मशीन है। तो देख लो जी, टाटा का ये डंपर है, तो सिग्ना कोई वेरियंट होगा तो वो है। लाइटें इसके नीचे दी है बम्पर्स में, लाइटें इसकी बम्पर्स में आती हैं, बॉडी से बॉडी पे कोई लाइट नहीं है, बॉडी बिल्कुल अलग है। ये बम्पर है लोहे का है प्लास्टिक का है, लोहे का बम्पर है, ये भी लोहे का, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी पार्ट लगाया हुआ है वहाँ पे ऊपर चढ़ के कोई साफ वगैरह करना हो मिरर वगैरह वो उस चीज़ के लिए लगाया हुआ है, परंदी वगैरह टांगी हुई हैं। तो बाकी बात करें इसकी साइड लुक से, तो साइड से कुछ इस तरह है, मेरे को ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा कैमरे में नहीं आ रहा, देखो कितना पीछे जाना पड़ रहा, अब आया ना कैमरे पे। हाँ, तो साइड पे देख लो, इधर लगे हैं इसके कुछ से मिरर्स, तो ये मिरर्स का फंक्शन मैं आपको अंदर बैठ के बताऊंगा वहाँ पे कैसे दिखता है। इन मिरर्स हैं दो, इधर हैं एक उधर, तीन मिरर्स हैं, तीनों के बारे में बताऊंगा। ये कुछ इसका डोर है इतना बड़ा सा, दिखाऊं खोल के, बड़ा बड़ा दम लगता है इसके खोलने में। ये देखो पूरा डोर खुल जाता है, और पूरा ऐसे कमरे के दरवाजे के जितना ये इसका दरवाजा है। उसके बाद आ जाते हैं इसके टायर्स, टायर देख लो इतना बड़ा टायर है, इन टायरों की नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन इसमें नंबर पता क्या लिखा है, 295 95 D20, इसमें D20 लिखा हुआ है, पता नहीं आपको वो क्या चीज़ है, देख रहे हो ये देख लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कमेंट्स में बताना मेरे को अगर किसी को पता है इन टायर्स की नॉलेज में D20 किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे इसका सलेंसर ये देख रहे हो, पूरा इसका सलेंसर है यहाँ पे, पीछे इसकी पूरी बॉडी है जिस पे ये लोड अपना कोई भी सामान वगैरह कैरी करता है, दो उसके स्टैंड दिए हुए हैं एक्स्ट्रा में कि कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम वगैरह तो टायर इसके ऊपर चढ़ा के कर सकते हैं, वो ऊंचा कर सकते हैं, और मतलब कुछ भी हो टायर वगैरह चेंज करना हो उसके लिए है। यहाँ पर इसके दो प्रेशर टैंक लगे हुए हैं, ये प्रेशर बनाते हैं इसके ब्रेक्स का। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ स्पेयर व्हील जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इन गाड़ियों में, पीछे चलने तो इसके डोल टायर यहाँ पे हैं, अलॉय व्हील्स भी लगे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लेटी वगैरह के नहीं है, ये सिंपल अलॉय व्हील है जो कि इस गाड़ी के लिए आते हैं, ये एक्चुअली मैंने खुद डिज़ाइन किए होते हैं, खुद बनाए होते हैं काट कूट के, तो ये वो वाले लॉय हैं। तो बाकी इसके वो नीचे ना शॉफ्ट दिख रही है इसकी बड़ी वाली, दो उसके पता नहीं क्या वो चीज़, इतनी नॉलेज मैं आपको बोल रहा हूँ ना मेरे को भी नहीं है, बाकी जो जो मेरे को पता है। ये इसकी कमानियाँ देख लो कितनी मोटी कमानियाँ हैं इसकी, पीछे चलते हैं अब पीछे से क्या है वो देखते हैं, पीछे ओह स्मेल बहुत आ रही है इसमें से, कचरा उठाता ना ये, तो पीछे वाली साइड से कुछ नहीं है, ये एसेसरी का पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो नीचे लोहा का लगा है, लाइटें इसकी वो लगी हैं। ठीक है, दो लाइटें लगी हैं इसमें, सारे फंक्शंस हैं, ये इसका पीछे से था। साइड पे चलते हैं तो साइड से कुछ इस तरह से सेम बिल्कुल उसी तरह लॉय लगा हुआ है इधर भी। तो यहाँ पे आ गया इसकी फ्यूल टैंक, तो ये काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है,
100-200 लीटर तो होगा मेरे मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा बड़ा टैंक है। और ये साथ में पता नहीं क्या क्या चीज़ है, इसको कवर करके रखा हुआ है, कुछ होगा ये भी। तो उसके बाद ये इसका एग्जॉस्ट भी वो आ गया, जैसे स्नॉकल लगता है ना, तो ये इसका स्नॉकल आ गया, देख रहे हो आप। ये इसका एयर फिल्टर टाइप सा है इसके बीच में। और ये टैंक मेरे को नहीं पता, ये शायद से इसमें तेल डलता है जो कि हाइड्रोलिक चलाता है, ये उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें शायद से वही हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। बाकी अब इस साइड से भी बता दिया, फ्रंट से बता दिया, चलते हैं अब इसके अंदर और अंदर से बता दें कि अंदर से ये कैसा है। ओ खुल जा, खुल गया। तो गाइस पहले मैं चढ़ लेता हूँ क्योंकि चढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, काफी ऊंचाई है। हमारे कैमरामैन बाहर घूम रहे हैं, हम अंदर। पहले जी देख लो इतना बड़ा इसका स्टीयरिंग है, ठीक है, घुमाते घुमाते है तो पावर स्टीयरिंग है, चलो अच्छी बात है। ये इसका कुछ मीटर देख लो, 140 की स्पीड तक भाग सकता है। यहाँ पर ये RPM है 100 से कैलकुलेट करनी, ठीक है, ये मतलब 4000 RPM टोटल है इसकी। तो उसके बाद ये कुछ स्विच लगे हैं, ये लाइट, ये मीडियम, ये हैवी और ये पता नहीं किसका कुछ तो है, ये इतनी नॉलेज नहीं है। ये कोई प्रेशर से ABS में एमरजेंसी के लिए ओनली, यू इन एमरजेंसी ओनली ऑफ करने के लिए कुछ, ये हेल्प के लिए, ये भी स्विच जैसे वो एरोप्लेन में या मुस्टैंग गाड़ियों में ऐसे दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे स्विच, ये ऑन ऐसे खोलो टक दबाओ गाड़ी में बूस्ट आ जाता है, उस तरह के स्विच लगे हैं। और ये देखो एक इधर, और ये देखो कैसे देख रहे हैं। उसके बाद इसमें AC भी है, देख सकते हो जैसे कि ये लगे हैं AC के इवेंट्स, 4 AC के इवेंट्स लगे हैं, 1-2 इधर, 3-5 लगे हैं, इधर 5, ठीक है, एक इधर लगा हुआ है, ये लगा है। और ब्रेक्स वगैरह इसकी कुछ इस तरह, ये इसका क्लच, ये इसकी ब्रेक, मार के देखो प्रेशर रिलीज करेगा भाई, आई आवाज आई प्रेशर की, ये वो था। और ये इसकी रेस। उसके पास में सिस्टम वगैरह तो ये पता नहीं, बाहर से लगा हुआ है, चलता कि नहीं चलता ये इतना मेरे को नहीं पता, बाकी अंदर से कुछ नहीं है। इतना इतनी बड़ी थी लाइट दी है कि इन्होंने, वहां पे फैन लगा, वहां पे स्पीकर्स लगे हैं इसके, एक स्पीकर शायद से मेरे पीछे लगा होगा, नहीं एक ही है, एक ही स्पीकर लगा, बाकी ये पूरा बेड जैसा दिया हुआ कि हाँ भाई बंदा आराम से यहाँ पे लेट सकता है और अपना एंजॉयमेंट कर सकता है, लेट के सो सकता है, ठीक है, रात को अगर कहीं दूर किए हो तो। ये इसका गियर लीवर देख लो, इसका 6 गियर है, एक लीवर 7 हो गए, तो गियर भी मतलब दौड़ता फिर इसका, मतलब 6 गियर दिए हैं, दौड़ेगा भी अच्छे तरीके से। तो ये था इसका अंदर से, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से था। बाकी विंडोज वगैरह इसकी देख लो पूरे ऐसे। हाँ तो मैं मिरर्स की बात कर रहा था, मिरर्स दिखाता हूँ आपको मैं, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो हाँ जी चलो जी बात करते हैं इसके मिरर्स की। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला मिरर, जो कि सिंपल मिरर है सीधा पीछे देखने के लिए। उसके बाद ये जो नीचे वाला मिरर है ये वाइड एंगल में दिखाता है, देख लो कितना ज्यादा वाइड दिख रहा है, इधर तक दिख रहा है, इस मिरर में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस मिरर में पूरा वाइड सा दिख रहा है। इसका इधर मिरर नहीं है, जो इधर मिरर है ना वो यहाँ पे है, और वो देख लो वो आपको इस तरह का नीचे दिखा देता सारा एरिया, हाँ भाई इस साइड कुछ है या नहीं। उस मिरर देख लो, ऊपर वाला देखो सिंपल दिख रहा है, नीचे वाले से देखो कितना वाइड दिख रहा है। तो ये होता है वाइड एंगल के लिए कि यहाँ पे ज्यादा वाइड दिखाए और वो वाला सिंपल दिखाए। और एक मिरर इसके यहाँ पे लगा गया, देखो ये आगे का ट्रक पूरा दिखा देता, हाँ भाई आगे कुछ है तो नहीं पास में, अगर ज्यादा पास में हो गया हो तो यहाँ से बंदा देख के जजमेंट कर सकता है, हाँ भाई इतनी पास पहुंच के ये चीज तो यहीं पे रोक दो। तो ये काफी अच्छी चीज होती है क्योंकि मिरर बहुत ज्यादा जरूरी है इस गाड़ियों में, स्पेशली इन गाड़ियों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ी होती है, इनका मतलब मोड़ काटना कहीं भी लेकर जाना बहुत रिस्की काम होते हैं। तो सल्यूट एंड ड्राइवर्स को जो भाई ट्रक ड्राइवरी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता है ट्रक चलाना, और इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ भाई कहीं से कोई निकल के ना आ जाए, ऑन द स्पॉट ब्रेक नहीं लगती है इनकी जब ये लोड होते हैं, इतनी ज्यादा पावर में जा रहे होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। बाकी स्विच वगैरह देख लो इसके, ये पता नहीं क्या, ये लाइट्स के लिए दिए हुए हैं, ये इंजन है, और ये है इसके चारों इंडिकेटर्स। चलो हो गए चारों इंडिकेटर भी ऑन, निकलते हैं बाहर, बाहर निकलता हूँ। उससे पहले आप ये एक दरवाजा इसका पता नहीं क्या, और एक चीज दिखाता हूँ, ये इसके लीवर, ये हैंड ब्रेक है शायद से, और ये इसका हाइड्रोलिक का लीवर है, इससे हाइड्रोलिक ऊपर नीचे होता है, और ये इसका हैंड ब्रेक अप एंड डाउन लिखा हुआ है, इस पे अप कर दोगे हैंड ब्रेक लग जाएगी, डाउन कर दोगे हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगी। तो यही था भाई डैम्पर में, ज्यादा इसमें कोई फीचर तो है नहीं है जो मैं आपको दिखाता, लेकिन जो था मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ, ठीक है। चलते हैं हम नीचे, नीचे उतरने में भी ना बहुत मुश्किल होती है, पहले उतरा ऐसे लगा ऊ गया मैं, ऐसे लगा मैंने पहाड़ से छलांग लगाई होती है नहीं, वो देखो वहां से जान लगा इधर आगे पहुंचा, इतनी ज्यादा मुश्किल से इसको करते हैं बंद। चलो ये बंद हो गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये पता नहीं क्या 1923 CC सूसी है इसका, पता नहीं कितना है कितना नहीं, बाकी पूरा बता दिया मैंने आपको इसके बारे में, ठीक है। तो यही था अपनी टेम्पर का वीडियो,
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना होगा शायद से, लेकिन जो जो था मैंने आपको मोस्टली सब कुछ बता दिया, दिखा भी दिया, तो देख लो भाई टाइम पर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब चलाएंगे किसी दिन, लगेगा अगर मौका तो मिलेगा चांस तो चलाएंगे भी, लेकिन अभी तक तो चलाया नहीं जब से आया। ये वीडियो इतनी थी, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, क्योंकि जो था डैम्पर में मैंने बता दिया, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने के लिए। मैंने आपको एक बार पहले बोला था कि ये डैम्पर आया, चलो इसकी भी हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई नहीं थी, तो आज मौका मिला तो मैंने चलो बना लेते हैं वीडियो, टाइम भी है, डैम्पर भी है, सब कुछ है, तो कर लेते हैं काम ख़त्म, इसलिए मैंने वो जल्दी जल्दी बना लिया। तो आई होप यू हैव इन्जॉयड द वीडियो, तो वीडियो इन्जॉय किया तो करना चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो चलाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तो ब्लॉग भी करते हैं हम, डेली ब्लॉग्स भी हैं अपने और वीडियोस भी करते हैं, ठीक है, तो मिक्स चलता है अपना काम, तो यही है ज़िंदगी। बाकी ये देखो मालिक बैठे हैं डैम्पर के, हालत देखो इनकी, इससे बड़ा तो डैम्पर है, चौड़ा भी इससे है, ये लगेगा आपको कहीं डैम्पर चला पाएगा, देखो इसके डोले, ये बल बड़े 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 डोले हैं। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।